अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर रायपुर से, JCCJ केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है आज। बैठक में उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। उम्मीदवार चयन को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। JCCJ केंद्रीय संसदीय बोर्ड की आज बैठक होनी है। बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी, साथ ही उम्मीदवार चयन को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है। तो उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। JCCJ केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है आज। इसमें उपचुनाव की रणनीति तो बनेगी ही, साथ ही जो है उम्मीदवार चयन को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता भूजेंद्र का। भूजेंद्र लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। भूजेंद्र, JCCJ केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है, रणनीति पर चर्चा होनी है, जो बैठक में चुनाव है उनको लेकर, और साथ ही उम्मीदवार चयन को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है, और क्या कुछ मुद्दे हैं जो इस बैठक में अहम रहने वाले हैं? किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में? जी पूरम, बता दो, सबसे महत्वपूर्ण की खैरागढ़ का जो विधानसभा का उपचुनाव जो होने वाला है, वहां पे जनता कांग्रेस जे की प्रत्याशी थे देवराज सिंह, जिनका निधन होने के बाद ये सीट खाली हुई है। तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि जनता कांग्रेस जे को वहां से प्रत्याशी चयन करने को लेकर, क्योंकि आज उनकी बैठक रखी गई है। जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड की जो बैठक है, 21 सदस्यों की, ये केंद्रीय संसदीय बोर्ड है जनता कांग्रेस जे की, और ये संसदीय बोर्ड में आज प्रत्याशियों के नाम पर फैसला भी कर सकती है। और उन्होंने कहा था कि 21 मार्च को हम अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकते, तो आज उनकी बैठक के बाद ये ऐलान भी कर सकते। साथ ही उपचुनाव को लेकर रणनीतियों पर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि उनके सिटिंग विधायक थे देवराज सिंह, उनके निधन के बाद उनके परिवार के लोगों को या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देना है तो किस तरह देना है, इन सारी चीजों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इनकी पूरी अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी के ऊपर है, वो पूरे संसदीय कार्य में आज बैठक में हिस्सा लेंगे और उन सारे कार्यकर्ताओं से और सदस्यों से बात करके आखिरी जो डिसीजन रहेगा वो उम्मीदवार का फैसला भी आज हो सकता है। साथ ही ये भी आने वाले 2023 की रणनीतियों को लेकर भी सदस्यता अभियान की ओर जोर देने के लिए जनता कांग्रेस ये अब घर घर गांव को पहुंचेगी और अपने नए सदस्यों को जोड़ने का काम भी करेगी। पुनः जी बिल्कुल भूजेंद्र, जो है उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, और उपचुनाव की रणनीति पर तो चर्चा होनी, उम्मीदवार चयन को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है, तो उम्मीदवारों की कुछ जानकारी? जी फिलहाल पूनम, किसी भी राजनीतिक पार्टी, खासकर जनता कांग्रेस जी या फिर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अभी तक खैरागढ़ उपचुनाव के लिए अभी तक किसी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले। पहला पार्टी होगा जनता कांग्रेस जी, जो आज प्रत्याशियों की उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर सकती है, उम्मीदवार को लेकर नाम जारी कर सकते, तो ये कह सकते हैं कि जनता कांग्रेस का भी इस क्षेत्र में काफी दावेदार रहा है, क्योंकि उनके सिटिंग विधायक देवराज सिंह थे, हो सकता है उनके राज परिवार को किसी को टिकट दे दिया जाए, और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी भी अभी रुके होंगे कि इनको उम्मीदवार अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो फिलहाल देखने वाली बात यह है कि किनके नामों पर लेकर विचार होगी, ऐसा कोई जानकारी नहीं आया कि खैरागढ़ विधानसभा के लिए किन किन लोगों का नाम बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 10 लोगों के नाम बुलाए गए थे, जिसमें केवल 1 से 2 नाम ही क्लियर थे कि पहले से इनका नाम बुलाए गए थे, और वही कांग्रेस पार्टी की ओर से भी करीब 10 से 12 लोगों के नाम बुलाए गए, उनकी जो बायोडाटा है वो हाईकमान तक भेज दिए गए, आखिरी मुहर उनके कांग्रेस पार्टी की ओर से भी 1 से 2 दिन पर लग जाएगी, उम्मीदवार का नाम का फैसला हो जाएगा। तो अभी यह कहना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को टिकट दे रही है, आज से ही पता चलना शुरू हो जाएगा। जनता कांग्रेस भी आज अपने उम्मीदवार का फैसला कर सकते हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी 1 से 2 दिन के अंदर अपने उम्मीदवार को नामों का ऐलान कर सकती है। बोलो बिल्कुल, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कुछ दिन में हो जाएगा भूजेंद्र, लेकिन अगर हम वर्तमान स्थितियों की बात करें, किस प्रकार की स्थिति, कितना कड़ा मुकाबला आप JCCJ BJP कांग्रेस इन तीनों के बीच देखते हैं? जी निश्चित तौर पर इस विधानसभा सीट में 2018 के चुनाव में देवराज सिंह एक भारी बहुमत के साथ यहाँ पे जीत कर आए थे, और जनता कांग्रेस के लिए बड़ा उपलब्धि था, क्योंकि जनता कांग्रेस पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार अलग अलग जगहों पे अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। भले हालांकि उनके ज्यादा विधायक जीत कर नहीं आए थे, लेकिन
जिन जगहों पे जीते थे काफी ज्यादा वोटों से जीते थे, उन्हीं में से एक देवराज सिंह थे। तो देवराज सिंह के जाने के बाद कहीं ना कहीं यह भी कह सकते हैं कि उनके जाने के बाद जनता कांग्रेस जी को की उम्मीदें उतनी नहीं होगी लोगों से, लेकिन यह भी कह सकते हैं कि जनता कांग्रेस जी भी इस मुकाबले पर सामने खड़े, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता कांग्रेस जी तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। ये हालांकि नामों के ऐलान के बाद ही यह तय होगा कि कौन यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएगी, कि चेहरों को लेकर ही खैरागढ़ विधानसभा में लगातार प्रत्याशियों को वोट डाला जा रहा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव अभी रहेगा तीनों राजनीतिक पार्टियों के लिए। पुनः जी बिल्कुल भूजेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो जेसीसीजे केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है आज, उस बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति तो बनेगी ही, लेकिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी उस बैठक में हो सकता है।